हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। HSSC की एक भर्ती थी, उस भर्ती का भी पेपर हुआ था कुछ दिन पहले ही, और उस भर्ती पर कोर्ट केस भी हुआ। अब कोर्ट में डिमांड कर दी है कि इस भर्ती का पेपर, इसको रद्द करके दोबारा से नया पेपर करवाया जाए, क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ थी। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कौन सी भर्ती है, क्यों ये दोबारा से करवाने की मांग की गई है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज TV देसी ताऊ पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एक या दो वीडियो, जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस ना हो। तो दोस्तों, देख लेते हैं HSSC भर्ती कौन सी है और क्यों दोबारा पेपर करवाने की मांग इसकी की जा रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं PTI की ये भर्ती है। जो भर्ती पहले एक भर्ती हुई थी उसको कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म मांगे गए थे, और फिर इनका 23 अगस्त को पेपर भी हुआ था, ठीक है। और 23 अगस्त का जो पेपर हुआ उस पर कोर्ट केस तो आपको पता ही चल रहा है। हैरत की बात तो यह रही कि परीक्षा में दिए गए सवालों में से 20 से अधिक सवाल ऐसे थे जो पाठ्यक्रम में थे ही नहीं, यानी कि सिलेबस से बाहर थे 20 सवाल। इसके साथ ही पूरी परीक्षा प्रक्रिया से विवाद जुड़ा ही रहा, और यह तब और बढ़ गया जब परीक्षा आयोजित करने वाले स्टाफ सदस्य का एक सदस्य हिसार में उत्तर कुंजी के साथ पकड़ा गया, जो किसी उम्मीदवार को मदद उपलब्ध करवा रहा था। इसको लेकर दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने इस संदर्भ में मामला भी दर्ज किया। ऐसे में यह स्पष्ट है कि इस परीक्षा में गोपनीयता यानी पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा गया। कई परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक निशान भी नहीं लिए गए, तो कहीं अन्य प्रकार की कमियाँ पाई गई। जब उत्तर कुंजी ही परीक्षा के दौरान उपलब्ध करवाई जा रही थी, इसके मायने यह हुए कि परीक्षा का पेपर ही लीक हो चुका था। ऐसे में इस परीक्षा का अब कोई औचित्य नहीं बचता। याची ने परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाने व इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाँ जी, ठीक है। तो ये मामला आपका हाई कोर्ट में है, PTI भर्ती के बारे में है। ये 23 अगस्त को परीक्षा हुई थी, और उसमें एक कैंडिडेट जो कि स्टाफ का ही सदस्य था, 20 वो अंशवर्की के साथ पकड़ा गया था, वो किसी की मदद कर रहा था, और जो पेपर आया था उसमें 20% से ज़्यादा सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि, और इसमें जो परीक्षा ली गई इसमें जो नियम तय होते हैं उनकी भी पालना नहीं की गई, ठीक है। तो इसीलिए नए सिरे से परीक्षा करवाने की मांग की है, और कोर्ट ने हरियाणा सरकार से और HSSC से, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार, कर्मचारी चयन आयोग व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है इन सभी के पास, और जवाब मांगा है कि ये क्या मैटर है भाई, ठीक है। तो ये अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा दोस्तों, HSSC भर्तियां करता है और उसमें बहुत सारी खामियां होती है। पहले चरण में HSSC सिलेबस का मुद्दा, HSSC एग्ज़ाम कैलेंडर का मुद्दा, EWS एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, इन तीन कमियों को दूर करवाने के लिए पहले चरण में शामिल किया गया है। 2 अक्टूबर को शांतिपूर्वक तरीके से हरियाणा का हर यूट्यूबर, हरियाणा का हर टीचर, हरियाणा का हर कोचिंग सेंटर इसमें साथ दे रहा है। तो आप सभी भी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रोल आपका है, आप बच्चों का है, यदि आप नहीं होंगे तो टीचर यूट्यूबर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 2 अक्टूबर को एक हैशटैग, ओनली सिंगल हैशटैग रहेगा आपका, HSSC रिफॉर्म्स, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को 10 बजे से आपको काम करना है, और इस बार आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर चाहिए। धन्यवाद आप सभी का।